आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता पर दिया जोर, बोले भारत सैन्य उपकरणों के आयात पर निर्भर नहीं। सीएम अरविंद केजरीवाल को मिली चुनौती, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा गुजरात में आपका राजनीतिक भविष्य तय। सीएम योगी का गोरखपुर दौरा, फरियादियों की सुनी फरियाद। गाजियाबाद में फिर दिखा पिटबुल का आतंक, 11 साल की बच्ची को किया लहूलुहान। लखनऊ में अतिक्रमण से हाल बेहाल, फुटपाथ पर अतिक्रमण से आमजन परेशान। मैं हूं मयूरी श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। वक्त हो गया उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों का। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दो दिवसीय दौरे पर गोरखपुर पर हैं। उन्होंने गुरुवार शाम गोरखपुर, सिद्धार्थनगर, संत कबीर नगर और बस्ती में बाढ़ का हवाई सर्वेक्षण किया। वहीं शुक्रवार की सुबह गोरखनाथ मंदिर के हिंदू सेवाश्रम में जनता दरबार लगा। इस पर मौजूद अधिकारियों को सीएम ने निर्देश दिया कि हर किसी के साथ न्याय होना चाहिए। जनता दर्शन में बड़ी संख्या में जमीन जायदाद और इलाज के मामले आए। मुख्यमंत्री ने जनता दर्शन में मौजूद अधिकारियों को जमीन की समस्या का समाधान जल्द से जल्द करने का निर्देश दिया। साथ ही इलाज के लिए धन की मांग लेकर आए लोगों पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दो दिवसीय दौरे पर हैं। उन्होंने गुरुवार शाम गोरखपुर, सिद्धार्थनगर, संत कबीर नगर और बस्ती में बाढ़ का हवाई सर्वेक्षण किया। वहीं शुक्रवार की सुबह गोरखनाथ मंदिर के हिंदू सेवाश्रम में जनता दरबार लगा। इस मौके पर मौजूद अधिकारियों को सीएम ने निर्देश भी दिए। हर किसी के साथ न्याय होना चाहिए। जनता दर्शन में बड़ी संख्या में जमीन जायदाद और इलाज के मामले आए। मुख्यमंत्री ने जनता दर्शन में मौजूद अधिकारियों को जमीन की समस्या का समाधान जल्द से जल्द करने के निर्देश दिए। साथ ही इलाज के लिए धन की मांग करने आए लोगों पर विशेष ध्यान देने के भी निर्देश दिए। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता हिमांशु हमसे जुड़ेंगे। हिमांशु, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर पर दो दिवसीय दौरे पर हैं, क्या कुछ अपडेट? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि गोरखपुर दौरे पर योगी आदित्यनाथ का दूसरा दिन है और आपको बता दें कि कुछ ही देर में सीएम पहुंचने वाले हैं। हालांकि ऊपर हेलीकॉप्टर चल रहे हैं, हेलीकॉप्टर आ चुका है, यहाँ पर उतरते हैं, यहाँ पे पहुंच जाएंगे। सहजनवा के बुरारी इंटर कॉलेज में उनका आज बाढ़ पीड़ितों को जो है राहत सामग्री बांटनी थी और ऐसे में सीएम योगी आदित्यनाथ हेलीपैड उतर रहे हैं और हेलीकॉप्टर से, और ठीक सामने सीएम योगी आदित्यनाथ का आगमन होने वाला है। कुछ ही देर में योगी आदित्यनाथ यहां पहुंच जाएंगे और राहत सामग्री वितरित करेंगे। साथ ही उनको अधिकारियों से भी जायजा लेना है, बातचीत करना है कि किस तरीके से राहत पीड़ितों को जो है बाढ़ पीड़ितों को जो है राहत दिया जाए। धन्यवाद हिमांशु तमाम जानकारियों के लिए। गाजियाबाद में पिटबुल ब्रीड के कुत्तों का आतंक थमता नहीं दिख रहा है। पिटबुल डॉग द्वारा काटे जाने के एक के बाद एक मामले सामने आ रहे हैं, खासकर उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद, जिसमें पिटबुल ब्रीड के कुत्तों का आतंक सबसे ज्यादा देखा जा रहा है। इस तरह का एक मामला फिर सामने आया है, जहां 11 साल की बच्ची पर पिटबुल डॉग ने हमला कर उसको घायल कर दिया। पिटबुल डॉग के हमले से बच्ची बुरी तरह से लहूलुहान हो गई, जिसके बाद उसको इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। मामला गाजियाबाद के इंदिरापुरम थाना क्षेत्र के रामप्रस्थ ग्रीन कैंपस स्थित सीवीटेक सोसाइटी का है।
मैं ना अपने डॉगी को घुमाने के लिए ले गई थी, तो मुझे ना वो मिला था, एक डॉग मिला था, तो मैं जैसे ही घुमा रही थी तो वो एकदम से फ्लफी में ऐसे भौंकने लग गया। फिर जब फ्लफी को भौंकने लगे एकदम से मुझे पे चढ़ गया, मुझ पर खा गया, फिर मेरे पे ऐसे जैसे निशान पड़ गए, फिर फ्लफी भाग गया, फिर उसके पीछे भागने लगा। फिर पीछे से एक गार्ड है, मतलब एक भैया है, जिन्होंने मुझे ऐसे बचाया और फिर मेरे फ्लफी को भी बचाया। सर मैं तो मेरी बेटी नीचे गई थी अपने छोटे से फ्लफी को लेके, हमारा एक पेट डॉग छोटा सा है उसको लेके नीचे गई थी, और इमीडिएट ये आई, मतलब होती हुई आई, मैं तो स्टैंड घबरा गई कि अचानक क्या हुआ। नीचे सिक्योरिटी गार्ड थे, उन्होंने कुछ नहीं एक्शन लिया, इवन उन्होंने फ़ोन तक नहीं मुझे किया कि आपकी बच्ची को काटा गया है, इवन वो साथ में नहीं आए। नीचे हमारी सिक्योरिटी इतनी मेन गेट पर है, नीचे हमारे टावर के नीचे है, बच्ची को इनके पिटबुल इज़ नॉट अलाउड। मैंने डॉक्टर्स को, मैक्स हॉस्पिटल में मेरी बच्ची एडमिट थी, और उन्होंने खुद ये कहा है कि पिटबुल अलाउड नहीं है, अनलीगल है, और वो भी खास तौर से सोसाइटी में रखना। सीतापुर के विकास खंड पहला के गांव सिकंदराबाद के पास सीतापुर बुढ़वल रेल प्रखंड के पास सरैया अंडरपास में बरसात हो जाने पर पानी भर जाता है और अंडरपास से किसी वाहन के लिए निकलना मुश्किल हो जाता है। बुधवार की शाम सीएससी पहला से 108 एम्बुलेंस प्रसूता रूबी पत्नी वारिस अली तथा सास रहीसा बानो को लेकर उसके घर असैसा जा रही थी। इस दौरान सिकंदराबाद अंडरपास में भरे पानी में जाकर फंस गई। डर के मारे एम्बुलेंस चालक मौके से निकल लिया, जबकि एमटी और मरीज गाड़ी में बैठे थे। ग्रामीणों ने काफी देर से पानी में खड़े एम्बुलेंस को देखकर नजदीक गए और एम्बुलेंस के एमटी रवि कुमार की मदद से गेट खोलकर मरीज तथा सहयोगी को बाहर निकाला गया और घर भिजवाया। खबर लखनऊ से है, जहां शहर के अलीगंज स्थित सेक्टर एल तथा सेक्टर जी काफी अति व्यवस्थित इलाका है। वहीं निवासियों ने आरोप लगाया है कि पार्क के बाहर फुटपाथ पर कब्जा कर सजी दुकानें अराजक तत्वों का जमावड़ा होता है। नगर निगम सीमा अंतर्गत अलीगंज स्थित सेक्टर एल तथा सेक्टर जी के बीच बने चंद भानु गुप्त पार्क के बाहर फुटपाथ पर अतिक्रमण कर बनी दुकानें हैं। स्थानीय निवासी इंद्र कुमार पांडे ने प्राइम टीवी के संवाददाता से बात करते हुए जानकारी दी कि उक्त पार्क में लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा दशकों पहले दुकानें आवंटित हुई थीं, लेकिन जितनी हद विभाग ने दुकानदारों के लिए तय की गई थी उससे 3 गुना दुकानदार अतिक्रमण कर आगे बढ़ गए हैं। साथ ही क्षेत्र के वरिष्ठ नागरिकों का कहना है कि यहां पर अराजक तत्वों का जमावड़ा लगता है। कुछ शरारती तत्व इस गली में धूम्रपान करते नजर आते हैं, जिससे महिलाओं का निकलना मुश्किल हो जाता है। ये अलीगंज का सेक्टरियल एरिया लगता है। इस पार्क के अवैध वो दुकानें एलडीए से रेंट से बनी हुई है, और उसके बाद कुछ इनक्रोचमेंट आगे रोड तक हुआ है, कुछ बगल में भी हुआ है। अच्छा, ये दुकानें कब से हैं जो यहाँ पे दुकानें चल रही हैं अभी तक? ये तो हम लोग जब आए हैं तब बनी हुई, तभी से। अच्छा, जब से आवंटी यहाँ रहने लगे तभी से दुकानें बनी हुई। तो अभी क्या समस्या हो रही है यहाँ पे? समस्या ये है कि बड़ा न्यूसेंस से चौराहा हो गया है। यहाँ लोग जो है असामाजिक तत्व आकर के इकट्ठा होते हैं और 12 बजे रात तक इकट्ठा रहते हैं। चौराहे पर मोहल्ले की कोई लड़कियां महिलाएं नहीं जाती हैं, क्योंकि वहां पर लड़कियां और लड़के सभी खड़े होकर सिगरेट पीते हैं और दुनिया भर की असली हरकतें। ज्यादातर मैनेजमेंट वाले आते हैं। कुछ असामाजिक तत्व है जो वो बाहर से भी आते हैं कि यहाँ देर पुलिस की गश्त होती है कि नहीं होती है यहाँ पर? कभी कभार आए हो चले गए, क्योंकि यहाँ रात में 1 बजे तक सिगरेट मिलती रहती है। इसलिए कौन सा थाना क्षेत्र है आपका? ये विकास नगर थाना क्षेत्र, विकास नगर में आता। खबर हरदोई से है, जहां जिला अधिकारी मंगला प्रसाद सिंह ने विधायक सवायजपुर माधवेंद्र प्रताप सिंह रानू के साथ तहसील शाहबाद के कटान से प्रभावित गांव कहार कोला का स्थलीय निरीक्षण किया। साथ ही उन्होंने बाढ़ की स्थिति के संबंध में ग्रामवासियों से संवाद किया, ताकि कोई भी ग्रामवासी प्रभावित क्षेत्र में ना जाए। बता दें कि विधायक और जिलाधिकारी ने ग्राम के प्राथमिक विद्यालय में कटान से प्रभावित 10 परिवार को राहत सामग्री वितरित की और ग्रामीणों को हर संभव मदद देने का आश्वासन भी दिया।
देखिए गर्रा नदी का जलस्तर जब बढ़ता है तो कहारकोला जिस गांव में हम लोग खड़े हैं यहाँ कटान की शिकायतें भी होती हैं, और अभी उसी शिकायत को सुन करके और लोगों की कठिनाइयों को जान करके हम लोग यहाँ आए हैं। यहाँ देखा गया है कि गर्रा नदी जो है इस गांव के सीमा से बिल्कुल 90 डिग्री पे डाइवर्ट हो रही है। जी जिस प्रकार आप देख रहे हैं अचानक ये बाढ़ आई है और बहुत भयंकर स्थिति में बाढ़ है, तो हमारे विधानसभा क्षेत्र के कहारकोला गांव है, गर्रा नदी के किनारे है और तीन तरफ गर्रा इसमें बहता है और जो ये पुल टूट गया है तो चारों तरफ इस समय पानी है, गांव टापू बन गया है और कई मकान कट भी गए हैं। इस बार सिंचाई विभाग से बहुत सारी व्यवस्था सरकार ने कराई थी लेकिन वो इतनी तेज बाढ़ थी तो कटान में वो चीज़ें सारी बह गई हैं। नोएडा पुलिस के हाथ बड़ी कामयाबी लगी है जहां पुलिस ने एक ऐसे गैंग का भंडाफोड़ किया है जो विदेश में नौकरी लगवाने के नाम पर लोगों से धोखाधड़ी करके ठगी किया करते हैं। पुलिस ने इस गैंग के दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है जिनका नाम सुधीर सिंह और हामिद बताया जा रहा है। दोनों को पुलिस ने पकड़कर जेल भेज दिया है। पुलिस ने बताया कि अभी इस ठग गैंग के 5 सदस्य और फरार चल रहे हैं जिनको जल्द से जल्द पकड़ लिया जाएगा। बताया जा रहा है कि इस गैंग ने अभी तक हजारों लोगों को नौकरी के नाम पर झांसा देकर करोड़ों की ठगी को अंजाम दिया है। फिलहाल पुलिस दोनों आरोपियों से पूछताछ करके बाकी के फरार सदस्यों की तलाश में जुटी है। ये दिनांक 9 अक्टूबर को यहाँ पर अंकुर नामक एक व्यक्ति आया जो देवरिया का रहने वाला है। उसके द्वारा बताया गया कि उसके और उसके 14 अन्य साथियों को 15 व्यक्तियों के साथ धोखाधड़ी की गई है। गल्फ कंट्रीज में भेजने के लिए उनसे संपर्क किया गया और उसके बाद उनसे 65,000 रुपये से लेके 1,00,000 रुपये तक लिए गए और जो उनको वीज़ा दिया गया और जो एयर टिकट्स दिए गए वो सारे फर्जी निकले। इसकी कंप्लेन लेके यहाँ आए। इस सूचना पे इसकी जब छानबीन की गई तो ज्ञात हुआ कि इसमें करीब 7 व्यक्ति हैं जो इस प्रकार के कार्य कर रहे हैं। शाहजहांपुर में उस समय हड़कंप मच गया जब चलती हुई कार बीच सड़क पर आग का गोला बन गई। कार में आग लगते ही किसी तरीके से कार चालक ने कार से कूदकर अपनी जान बचाई। बताया जा रहा है कि कार में आग शॉर्ट सर्किट से लगी है। नदी के पुल से पहले लगी आग से दोनों तरफ के वाहनों ने से जाम लग गया। बाद में दमकल कर्मियों के पहुंचने पर आग पर काबू पाया गया जिसके बाद आवागमन चालू किया गया। बता दें थाना सिधौली के पुल का मामला है। खबर रायबरेली से है जहां शहर के सतनगर में जमीन पर कब्जे को लेकर आज 3 दिन से जेसीबी मशीन के साथ साथ 2 दर्जन से ज्यादा अराजक तत्व भ्रमण कर रहे हैं। बताते चलें कि यह अराजक तत्व 2 रोज पूर्व रेलवे की जमीन को भी खोद डाले थे। मधुबन रेलवे क्रॉसिंग संख्या 27 पर उन्होंने जेसीबी मशीन तक चला दी थी। यह तो गनीमत थी कि जीआरपी पुलिस मौके पर पहुंचकर इन तत्वों को खदेड़ने का काम किया। इसके बाद भी जब यह वहां से नहीं कामयाब हो पाए तो उन्होंने रामचंद्र गुप्ता यहां भी पुलिस अधिकारियों के नाम पर केवल 112 नंबर की पुलिसकर्मी ही दिखाई दी। जबकि मामला 2 समुदाय के बीच भी दिखाई दे रहा है जिसमें कभी भी विवाद हो सकता है। टंकी के मालिक ने जिलाधिकारी से लेकर राजस्व अधिकारियों से अपनी फरियाद दर्ज कराई है और पुलिस कार्रवाई में जुट गई है। करवा चौथ पर्व पर 16 सिंगार कर सुहागिनों ने चंद्रमा को अर्घ्य दिया। पूजन की थाली में रखे दीपक की रोशनी में छलनी से पति का दीदार किया। पति से जल लेकर व्रत खोले। शहर में कई शहर जगह सामूहिक पूजन हुए और सुहागियों ने पति की लंबी उम्र की कामना की। वहीं यूपी के बहराइच शाहजहांपुर और सुल्तानपुर में भी सुहागिनों ने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखा और पूजा की जिसकी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आपको 3 तस्वीरें दिखा रहे हैं जिसमें पहली तस्वीरें बहराइच से है, दूसरी शाहजहांपुर से है और तीसरी सुल्तानपुर से है जिसमें महिलाएं करवा चौथ का पूजन करते नजर आ रही हैं।
जिला कारागार में पति की लंबी उम्र की कामना के लिए सुहागिनों ने करवा चौथ का व्रत रखा। पूरे दिन का निर्जला व्रत रखने के बाद शाम को चांद का दीदार करने पर महिलाओं ने छतों पर जाकर चांद को देखा और अपने व्रत को खोला। सज धज कर तैयार सुहागिन महिलाओं ने खूब डांस भी किया। तीन तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीरें अलीगढ़ से हैं, दूसरी रायबरेली से और तीसरी शाहजहांपुर से हैं। उत्तर प्रदेश की खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।